हाँ बच्चों, के एन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले क्लास 11th के बच्चों को उनके रिजल्ट परीक्षा फल की हम बधाई देना चाहते हैं और शुभकामना है। आप मेहनत किए, आपका परीक्षा फल अच्छा रहा, जो जितना मेहनत किया उतना ही उसका रिस्पांस रहा। तो इससे सीखें, पहली बोर्ड की परीक्षा थी, दूसरी बोर्ड की परीक्षा आपको इंटर की देनी है। तो 11th का क्रम रेगुलर क्रम में आप स्टडी कार्य करें, अध्ययन का कार्य नियमित रूप से करें। बच्चों पीछे के वीडियो आपको मिले हैं, जो नए बच्चे हैं वो ग्रुप से जुड़ करके वीडियो को क्रमिक रूप से प्राप्त कर लें, नहीं तो हमारे पर अपने नंबर को मैसेज करिए, बताइए नई वीडियो मिला है, आपको पूर्ण वीडियो मिल जाएगा। तो बच्चों हम लोग पीछे पढ़ रहे थे एलगी, एलगी में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ एलगी पढ़ चुके थे, शैवालों का आर्थिक महत्व। आप उसका टॉपिक अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ एलगी, शैवालों का वर्गीकरण, शैवालों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ एलगी। तो शैवालों को बच्चों उसके हैबिटेट, स्वभाव, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कार्य की दृष्टि से चार रूपों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है। पहला है क्लोरोफाइसी, ये वर्ग है क्लोरोफाइसी, क्लास क्लोरोफाइसी, पहला क्लास है क्लोरोफाइसी, ये किसमें है? क्लास में, क्लास फर्स्ट क्लोरोफाइसी या क्लोरोफाइटा संघ में क्लोरोफाइसी वर्ग है। जैंथोफाइसी सेकेंड क्लास है, क्लास सेकेंड, और फियोफाइसी क्लास थर्ड, और रोडोफाइसी क्लास फोर्थ, ये चौथा क्लास है। तो सवालों को कुल चार वर्गों में विभाजित किया गया, कितने भागों में? चार। बच्चों हिंदी इंग्लिश सब बराबर है, जैसे क्लोरोफाइसी है तो इसको हिंदी में भी लिखेंगे क्लोरोफाइसी, जैंथोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो ये चार वर्ग में विभाजित किया गया है शैवालों को। चलिए चलते हैं, एक एक वर्ग हम लोग पढ़ेंगे। तो आज पहला वर्ग क्लोरोफाइसी, और इसी को ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइटा संघ के अंतर्गत क्लोरोफाइसी वर्ग है, इसके अंतर हरे शैवाल ग्रीन एल्गी को रखे गए हैं। इसका हैबिटेट है फ्रेश वाटर, स्वच्छ जल, लिविंग ग्रीन एल्गी, स्वच्छ ताजे पानी का हरा शैवाल होता है, ग्रीन एल्गी है ये, स्वच्छ फ्रेश वाटर लिविंग एल्गा है, ताजे पानी में रहने वाला शैवाल। प्लांट बॉडी इसका पादप शारीरिक संरचना जो है यूनिसेलर एक कोष की और मल्टीसेलर बहुकोष की, बोथ स्ट्रक्चर दोनों संरचनाएं होती हैं इसकी, पादप संरचना प्लांट बॉडी बोथ नेचर होता है, यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर, एक कोष की और बहुकोष की संरचना के रूप में ये पाए जाते हैं। जो बच्चों इसमें जो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट हरित लवक क्लोरोफिल ए बहुत से होते हैं, पढ़ाई ए बी सी डी ई इस तरह से, तो इसमें मुख्य रूप से क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए, पॉलीहरिन ए और पॉलीहरिन बी, और इसी के साथ कैरोटीनॉइड्स आर प्रेजेंट। कैरोटीनॉइड स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट्स होते हैं, विशेष प्रकार के रंगक होते हैं कैरोटीनॉइड्स। तो इस क्लोरोफाइसी के सदस्यों में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। इसमें फूड स्टोरेज जो है ये विशेष तरह के हरित लवक, विशेष तरह के प्लास्टिड होते हैं पाइरेनॉइड्स, ये फूड स्टोरेज का कार्य करते हैं, और भोजन संचय इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, मंड के रूप में भोजन संचित होता है। किस रूप में? मंड के रूप में क्लोरोफाइसी के सदस्यों में भोजन संचित होता है और स्टोरेज कार्य करता है पाइरेनॉइड।
इसमें सेल वाल जो होती है बच्चों, कोशिका भित्ति आउटरमोस्ट ऑफ प्लांट बॉडी, आउटरमोस्ट कवरिंग बाहरी भित्ति जो होती है पादप संरचना की, वह होती है सेल वाल। क्या होती है? सेल वाल, कोशिका भित्ति, मेटोप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज स्पेशल, सेलुलोज है, पॉलीसेक्राइड है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और उसमें पॉलीसेक्राइड है, उसमें भी स्ट्रक्चर पॉलीसेक्राइड है सेलुलोज, जो शैवाल की सेलवाल कोशाभित्ति के निर्माण में भाग लेता है। आउटर सरफेस पेक्टोज लेयर प्रेजेंट होती है, इस सेलुलोज के बाहरी सतह पर पेक्टोज लेयर पाई जाती है। कौन सी लेयर? पेक्टोज लेयर पाई जाती है। अब बच्चों इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है क्लोरोफाइसी के सदस्यों में ऑनलाइन की जन्म, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मोटाइल स्पोर, चल बीजाणुओं द्वारा, चल बीजाणुओं द्वारा होता है। बीजाणु स्पोर्स क्या होते हैं आपको बताया गया है कि सीड डू नॉट रियल सीड बट सीड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पोर, वास्तविक बीज नहीं होते हैं लेकिन बीज जैसी संरचना होती है उसी को बीजाणु कहते हैं। तो जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन प्रचलन अंग पाए जाते हैं, पक्ष सीलिया पाए जाते हैं, गमनांग पाए जाते हैं, वो मोटाइल होते हैं, चल होते हैं, और जिसमें नहीं पाया जाता है वो अचल होते हैं। तो इसमें जो स्पोर्स होते हैं मोटाइल स्पोर्स होते हैं, चल बीजाणु होते हैं और उसके सीलिया आर इक्वल, उसके सभी सीलिया समान लंबाई के, इक्वल इन लेंथ, समान लंबाई में पाए जाते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोटाइल स्पोर्स द्वारा होता है, अलैंगिक जनन जो है चल बीजाणुओं द्वारा संपन्न होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों लैंगिक जनन, तो हम लोग शैवालों में लैंगिक जनन पढ़े हैं, जैसे समयुग्मकी आइसोगैमस टाइप, असमयुग्मकी एनआइसोगैमस टाइप और अंडयुग्मकी उगैमस टाइप, थ्री टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा गया है, आइसोगैमस, एनआइसोगैमस और उगैमस, समयुग्मकी, विषम युग्मकी और अंडयुग्मकी। उसी तरह से बच्चों इस क्लोरोफाइसी के सदस्यों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड उगैमस टाइप पाया जाता है। तीनों प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है, समयुग्मकी आइसोगैमस, विषम युग्मकी जो है असमयुग्मकी एनाइसोगैमस और अंडयुग्मकी जो है उगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेस डेवलप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आइसोगैमस और वेल डेवलप पूर्ण विकसित लैंगिक जनन अंडयुग्मकी उगैमस टाइप होता है। इस वर्ग के एग्जाम्पल में बच्चों यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा है और वॉलवॉक्स है। तो इस तरह से आपका पहला वीडियो था। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी में हम जो है शैवाल के कुल चार वर्ग देखे, क्लोरोफाइसी, जैंथोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो आज आपको हम ये क्लोरोफाइसी के लक्षण बताए और उदाहरण, उदाहरण में बच्चों वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा है, वॉलवॉक्स है, क्लेमाइडोमोनास इटीसी। तो इसमें जो उदाहरण है याद रखेंगे, यूलोथ्रिक्स अनब्रांच एल्गी है, स्पाइरोगायरा वॉलवॉक्स कॉलोनी एल्गा है एंड क्लेमाइडोमोनास ये सभी क्लोरोफाइसी के ही मेंबर हैं। तो वीडियो को बच्चों पूर्ण रूप में देखें, नोट्स तैयार करें, शेयर करें, बच्चों में जो बच्चे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं उनको भी शेयर करें ताकि सभी लोग पढ़ सकें। थैंक यू।